गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन नी अंदर आपणे अलाउंसेस स्टार्ट करेला था, एनी अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस अने हाउस रेंट अलाउंस एना सम कैलक्युलेट करेला था। नेक्स्ट एचआर नो सम एग्जांपल नंबर 26 बी ऑफ योर बुक। अजय अ रेसिडेंट ऑफ कानपुर, रिसीव रुपीज 1,92,000 एज ए बेसिक सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। इन एडिशन ही गेट रुपीज 19,200 एज ए डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। This is given that this is part of basic salary. 7% commission on sale made by him, sales made by him during the relevant previous year is 3,44,000 and rupees 24,000 as a house rent allowance. He received 24,000 HR. He however pay 23,400 एज ए हाउस रेंट। मीन्स ए ज्यां भाड़े रहे छे त्यां केटलू रेंट पेड करे छे 23,400। डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एक्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ओके, एचआर टैक्सेबल फाइन करशू। एना माटे सौथी पहेला आपणे फाइन करी लईए सैलरी। सैलरी फॉर एचआरए पर्पस, फर्स्ट बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी रिसीव्ड बाय हिम 1,92,000 प्लस डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। It is given that basic salary is part of dearness is part of basic salary. So 19,200 plus commission on sale sales he get 7% commission on sale रुपीज 3,44,000 सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 3,44,000 एना 7% सो ही रिसीव 24,020 एज ए कमीशन 24,080 टोटल 24,020 प्लस 19,200 प्लस 1,92,000 That is 2,35,280. This is salary for HRA purpose. Now, exempted HRA. Minimum of following. Is exempted first actual HRA receive actual HRA received by him he received 24,000 as a house rent allowance 24,000 second rent paid माइनस 10% ऑफ सैलरी रेंट पेड बाय हिम ही पेड हाउ एवर ही पे रुपीज 23,400 माइनस सैलरी 2,35,280 एना 10% 23,400 माइनस 23,000 528 is equal to
नेगेटिव, नेगेटिव इज इग्नोर, सो जीरो. थर्ड, ही लिव इन कानपुर, कानपुर इज नॉन मेट्रो सिटी, सो 40% ऑफ सैलरी, सैलरी 2,35,280 एंड 40%. That is 94112. Out of these three, minimum is exempted. So exempted HRF is equal to zero. Taxable HRF. Taxable is equal to actual received माइनस एग्जम्प्टेड. एक्चुअल एचआर रिसीव्ड बाय हिम 24,000 माइनस एग्जम्प्टेड नील जीरो, सो टैक्सेबल एंटायर 24,000. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट टॉपिक, प्रोविडेंट फंड पीएफ. This table is very important for us. Serial number, particulars. There are total four types of provident fund. First, statutory provident fund. Second, recognized provident fund. Third, unrecognized provident fund. And fourth, public provident fund. First, particulars, employees contribution, like a karmachari nu potanu contribution. SPF qualify for deduction under section 80C, which already apne first unit रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंट्रोडक्शन एनी अंदर डिडक्शन में एटीसी लर्न करी गया छे. सेकेंड, रेकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. अनरेकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नॉट क्वालिफाइड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. एटले के एसपीएफ, आरपीएफ अने पीपीएफ त्रणेयनी अंदर एम्प्लॉयनू कंट्रीब्यूशन 80C ना डिडक्शन माटे क्वालिफाई थाशे, ज्यारे अनरेकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एटले के यूआरपीएफ नू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80C माटे क्वालिफाई थाशे नहीं. सेकेंड, पहला आपणे जोयुं एम्प्लॉयनू कंट्रीब्यूशन, हवे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एटले के मालिकनू कंट्रीब्यूशन. एसपीएफ फुल्ली एक्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स and is not added to salary income. Recognized provident fund matter important karan ke varamvar recognized nu sum ma puchay chhe. Exempted from income tax up to 12% of salary. The excess is added to the salary income. એટલે કે 12% સુધી જો employee નું contribution હશે તો exempted રહેશે. अबोव 12% सैलरी इनकम में एड थे. अनरेकॉग्नाइज अंदर नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम बट फुली टेक्सेबल वेन रिसीव्ड फंड. जयरे रिटायर्ड थाय त्यारे फंड रिसीव थे त्यारे एम्प्लॉयर नू कंट्रीब्यूशन जो पाछू मळशे ई फुली टेक्सेबल थे. पब्लिक प्रोविडेंट फंड नी अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होय नहीं एटले नॉट एप्लिकेबल. थर्ड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट. फर्स्ट, स्टेच्युटरी प्रोविडेंट फंड माटे फुल्ली एक्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एंड इज नॉट एडेड टू सैलरी इनकम. एट्ले कि एसपीएफ नू टोटल इंटरेस्ट एक्जम्प्टेड छे, इनकम में एड थाशे नहीं. आरपीएफ नू वेरी इम्पोर्टंट कारण के अवारनवार सम में आवे छे. एक्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू 9.5% पर एनम, એટલે કે 9.5% સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ એક્ઝમ્પ્ટેડ છે. તો એક્સેસ ઇઝ ટુ બી એડેડ ઇન સેલરી ઇન્કમ,
એટલે કે 9.5 કરતા જેટલું વધારે ઇન્ટરેસ્ટ ભરેલું હશે એ ટેક્સેબલ થશે અને સેલેરી ઇન્કમમાં પ્લસ થશે. અનરેકોગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ માટે નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન સેલેરી ઇન્કમ, ફૂલી ટેક્સેબલ વેન ફંડ ઇઝ રિસીવ. અને પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ માટે ફૂલી એક્ઝમ્પ્ટેડ ફ્રોમ ઇન્કમ ટેક્સ, પીપીએફનું ઇન્ટરેસ્ટ ટોટલી એક્ઝમ્પ્ટેડ છે. લાસ્ટ ફોર્થ વન, એક્યુમ્યુલેટેડ બેલેન્સ પેઇડ ઓન રિટાયરમેન્ટ, કે જ્યારે કોઈ પણ એમ્પ્લોય રિટાયર થાય ત્યારે જે પણ બેલેન્સ પીએફ અકાઉન્ટમાં જમા પડેલી છે એને પાછી આપવાની આવે ત્યારે ટેક્સની શું ટ્રીટમેન્ટ થશે, તો કે સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિડન્ટ ફંડ માટે ફૂલ્લી એક્ઝમ્પ્ટેડ. રેકોગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ માટે ફૂલ્લી એક્ઝમ્પ્ટેડ સબ્જેક્ટ ટુ સર્ટેન કન્ડિશન્સ. અનરેકોગ્નાઇઝ માટે ટોટલ ટેક્સેબલ થશે, જે પણ ફંડ રિસીવ થશે એ ટોટલ ટેક્સેબલ થશે. પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ પીપીએફ માટે ફૂલ્લી એક્ઝમ્પ્ટેડ ફ્રોમ ટેક્સ. તો ધીસ આર ધી પ્રોવિડન્ટ ફંડ.